अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मिस अलीज़ा। आई एम द साइंस टीचर ऑफ क्लास 2। टुडे इज़ आवर सेकंड लेक्चर इन विच वी विल डिस्कस द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम मुख्तलिफ मटेरियल्स को किस तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, एंड ऑल्सो डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड मैन मेड मटेरियल। और डिफरेंस मतलब फ़र्क डिस्कस करेंगे नेचुरल और मैन मेड मटेरियल में, कुदरती और इंसान के बनाए हुए मटेरियल में। लुक एट द बॉय, ही इज़ रिकॉग्नाइजिंग डिफरेंट मटेरियल्स ऑब्जेक्ट। इस बॉय को देखिए कि ये डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश कर रहा है, पहचानने की कोशिश कर रहा है। दिस इज़ अ कार, इट इज़ मेड अप ऑफ मेटल बट इट्स टायर्स आर मेड अप ऑफ रबर। हेयर इज़ एन अदर कार एंड दिस कार इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक मटीरियल एंड इट्स एंटीना is made up of metal. This is the packet of toothpick and toothpicks are made up of wood. This is a comb. Comb is made up of plastic material. This is a jar and jar made up of glass. And now I am going to explain you about natural and man-made material. और अब मैं आपको explain करने जा रही हूँ natural और man-made material के बारे में, कुदरती और इंसान के बनाए हुए material के बारे में। Okay, natural material. वुड इज़ अ नेचुरल मटीरियल। लकड़ी नेचुरल मटीरियल है, कुदरती मटीरियल है, क्योंकि हमें प्लांट्स से मिलता है और प्लांट्स कुदरती होते हैं। रबर इज़ ऑल्सो अ नेचुरल मटीरियल। रबर भी नेचुरल मटीरियल है, कुदरती, क्योंकि हमें प्लांट्स से मिलता है और प्लांट्स क्या होते हैं, नेचुरल, उनको इंसान नहीं बना सकते, वो मैन मेड मटीरियल नहीं होते। सम मेटल्स आर ऑल्सो नेचुरल मटीरियल, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉपर, आयरन, अलमूनियम, सिल्वर, गोल्ड। कुछ मेटल्स भी कुदरती होते हैं, जैसे कि कॉपर, आयरन, अलमूनियम, सिल्वर और गोल्ड। सम स्टोन्स लाइक मार्बल आर नेचुरल मटीरियल। कुछ पत्थर जैसे कि मार्बल, ये भी क्या है, नेचुरल मटीरियल हैं, कुदरती मटीरियल हैं। नेचुरल मटीरियल वो होते हैं जिन्हें इंसानों ने नहीं बनाया होता, जिनको अल्लाह ताला ने बनाया होता है, जो कि कुदरती होते हैं। नाउ मूव टूवर्ड्स द मैन मेड मटीरियल। अब हम मैन मेड मटीरियल के बारे में बात करेंगे, वो मटीरियल जो कि इंसानों ने बनाया है। प्लास्टिक इज़ एन एग्जांपल ऑफ मैन मेड मटीरियल। प्लास्टिक एग्जांपल है मैन मेड मटीरियल की। आफ्टर दैट सिरेमिक्स इज़ एन एग्जांपल ऑफ मैन मेड मटीरियल। सिरेमिक्स भी मैन मेड मटीरियल की एग्जांपल है, और सिरेमिक्स से पॉट्स वगैरह बनते हैं, बर्तन वगैरह बनते हैं। नेक्स्ट ग्लास। ग्लास इज़ एन एग्जांपल ऑफ मैन मेड मटीरियल। ग्लास भी मैन मेड मटीरियल की एग्जांपल है, मींस ग्लास भी नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता, कुदरती तौर पर नहीं पाया जाता, इसको इंसान ने बनाया है, दैट्स वाई हम इसे मैन मेड मटीरियल कहते हैं। फैब्रिक इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड मटीरियल। फैब्रिक भी मैन मेड मटीरियल की एग्जाम्पल है। फैब्रिक्स से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, हमारे क्लोथ्स बनते हैं, और इसके अलावा हमारे स्कूल बैग्स बनते हैं, और डिफरेंट चीज़ें बनती हैं, कुशन्स वगैरह। फैब्रिक मैन मेड मटीरियल है, इसको भी इंसानों ने बनाया है। नाउ टेक आउट योर साइंस कॉपीज़। अब अपनी साइंस की कॉपीज़ निकालिए। And do some written work in neat and clean writing by your own self. और अब written work कीजिए बहुत ही neat and clean writing में, by your own self, खुद से। आपको ये काम खुद अपनी writing में करना है, क्योंकि अब आपके final exams आ रहे हैं, और अगर आप खुद से नहीं लिखेंगे तो आपको लिखना कैसे आएगा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल बिफोर वर्किंग मेक अ टाइटल पेज ऑफ चैप्टर मटीरियल। चैप्टर मटीरियल का टाइटल पेज बनाइएगा काम स्टार्ट करने से पहले। ओके, नाउ मेंशन द डेट हियर
एंड स्टार्ट राइटिंग द सब टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, और सब टॉपिक्स इस चैप्टर के लिखना स्टार्ट कीजिए. नंबर 1 वोकैबुलरी वर्ड, नंबर 2 क्वेश्चन आंसर, नंबर 3 एक्टिविटीज ऑफ वर्कबुक 6A to 6D, 4th बुक एक्टिविटीज, ट्राई इट आउट फ्रॉम पेज नंबर 144, 145 एंड 149. नंबर 5 MCQs. हमारे इस चैप्टर के रिटन वर्क के ये टॉपिक्स हैं. आपको इसका हैंड आउट भी आपके कैंपस से दे दिया जाएगा, जिससे आप बासानी ये काम अपनी कॉपीज में कर सकते हैं. एंड दिस इज़ आवर सेकंड पेज ऑफ रिटन वर्क. ये हमारे रिटन वर्क का सेकंड पेज है जो हमने अब ओपन किया है. सबसे पहले आप पेज के टॉप पर डेट लिखेंगे. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू राइट सम वोकैबुलरी वर्ड्स. अब हम कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स लिखने जा रहे हैं. नंबर 1 प्लास्टिक, नंबर 2 सिरेमिक्स, नंबर 3 मेटल, नंबर 4 मटेरियल्स, नंबर 5 मैन मेड, नंबर 6 नेचुरल, नंबर 7 रबर, नंबर 8 फैब्रिक, नंबर 9 फाइबर, नंबर 10 लेदर, नंबर 11 कॉपर, नंबर 12 आयरन. विद दिस वी हैव कम्प्लीटेड आर वोकैबुलरी वर्ड्स. इसी के साथ हमारे वोकैबुलरी वर्ड्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं. यू शुड ओनली यूज़ पेंसिल एंड ब्लू कलर इन योर कॉपीज. आपको अपनी कॉपीज में सिर्फ ब्लू कलर और पेंसिल ही यूज़ करनी चाहिए. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस लेक्चर. मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा. एंड नाउ यू हैव टू लाइक अवर वीडियोज, सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई नेक्स्ट लेक्चर. टेक केयर स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़.